Hello everyone, this is Shalini and now we would start our next topic of second lesson, Kingdom Fungi. Before this, we have already discussed two kingdoms, Kingdom Monera and Kingdom Protista. So now we would study the third kingdom, that is your Kingdom Fungi. The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. Now, fungi, whatever fungus you have, what are they? Heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. यानी कि उनकी morphology और habitat में बहुत सी diversity है या differences हैं. You must have seen fungi on moist bread and rotten fruits. आपने fungi देखी होगी जो आपकी bread होती है and जो आपके fruits rotten जो खराब हो रहे होते हैं fruits उनके ऊपर देखी होगी fungus grow होती हुई. The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. जो हम मशरूम खाते हैं वो भी क्या है, एक फंगस ही है. White spots seen on mustard leaf are due to parasitic fungi. किसकी वजह से, parasitic fungus की वजह से. Some unicellular fungi, yeast, are used to make bread and beer. ठीक है, तो जो yeast होती है that is also a fungi, but वो कौन सी है, unicellular fungi है और उससे आपका क्या बनता है, बेकिंग में, ब्रेड और ईस्ट में उसको, सॉरी ब्रेड एंड बियर में उसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट, अदर फंजाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. Other fungi causes disease in plants and animals. Wheat rust causing puccinia is very important example. Some are the sources of antibiotics. अब इनमें से कुछ आपके antibiotic के भी example हैं, जैसे कि हमारी penicillium होती है, that is your antibiotic है, वो किससे produce हुई है, हमारी penicillin से. ठीक है, तो फंजाए आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो कॉस्मोपॉलिटन मीन्स कि फंजाए दे कैन ग्रो एनीवेयर, कहीं पर भी ग्रो हो जाती हैं ये. ठीक है, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. बट जो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको क्या चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. मीन्स एक तो टेम्परेचर मस्ट बी हाई, ठीक है, हाई टेम्परेचर, और उसके बाद ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वहाँ पर. ठीक है, ह्यूमिड होना चाहिए वो. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर. तो आपने कभी सोचा कि हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फ्रॉम फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, ताकि उनको हम प्रिजर्व कर सकें बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन से. ठीक है, और आपके जो रेफ्रिजरेटर में क्या क्या टेम्परेचर होता है, कूल टेम्परेचर होता है ना, और ह्यूमिडिटी नहीं प्रेजेंट होती, तो इस वजह से उनको वैसे रखा जाता है. नेक्स्ट, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाए आर द फिलामेंटस. ठीक है, बट जो हमारी ईस्ट हैं वो कैसी होती हैं, दे आर फिलामेंटस, वो फिलामेंटस होती हैं. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे. तो जो फंजाए होती हैं, नॉट ईस्ट, यहाँ पर जो आपका विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाए क्या होती हैं, हमारी मल्टी सेलुलर होती है, एंड ईस्ट क्या होती हैं, दे आर यूनिसेलुलर. ठीक है, फंजाए आर फिलामेंटस, फिलामेंटस फॉर्म्स होती हैं ये. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हाइफे कहा जाता है. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये हाइफे वर्ड इम्पॉर्टेंट है. The network of hyphae is known as mycelium. और जब ये network of hyphae combine होता है तो इसको क्या बनाता है, ये mycelium form करते हैं. Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleate cytoplasm. अब जो ये hyphae होते हैं कुछ क्या होते हैं, filled होते हैं with multinucleate cytoplasm, और यहाँ these are called coenocytic hyphae, और यहाँ पर इनको coenocytic hyphae कहा जाता है. Others have septa और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफे, और कुछ के बीच में क्या होता है, सेप्टा या क्रॉस वॉल्स होता है, और
द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कम्पोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। अब इनकी जो सेल वॉल होती है फंगस की, ये भी इंपॉर्टेंट है, किससे बनी होती है। क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, एक यहाँ पर आपको बताया है कि दे हैव स्टेप्ड और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफे। तो जैसे सपोज ये हाइफा है, ठीक है, अब हमने क्या बोला, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बीच बीच में इसके। अगर इनके बीच में क्रॉस वॉल सेक्शंस बने हैं तो ये क्या हो गया जी हमारा, ये सेप्टा है। और अब इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट हाइफा। ठीक है, ये हो गया सेप्टेट। ठीक है, और अगर ये जो क्रॉस वॉल सेक्शंस नहीं हैं इसके बीच में, सिंपल ऐसे ही हाइफा फॉर्म हुआ है, तो इसको हम एसेप्टेट हाइफा कहते हैं। ठीक है जी, मोस्ट फंजाई आर हीटरोट्रॉफिक एंड अब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। तो ये क्या होते हैं हमारे, सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फूड अपना वहाँ से लेते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट, उनको पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल गया होगा सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट्स के बीच में। जो सेप्रोफाइट होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग, ठीक है जी, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक्ट करते हैं। और जो पैरासाइट्स होते हैं दे डिपेंड ऑन लिविंग, किसके ऊपर, जो हमारे लिविंग होते हैं। ठीक है, ओके, सो दे कैन ऑल्सो लिव एज अ सिम्बायोंट। अब और क्या है इनका करेक्टरिस्टिक, कि ये एज अ सिम्बायोंट भी रह सकते हैं। सिम्बायोंट मीन्स मिलकर किसी के साथ, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, उसको क्या कहा जाता है, लाइकन। एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, उसको क्या कहा जाता है, माइकोरेजा। तो यहाँ पर आपकी ये दोनों चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर है हमारी रिप्रोडक्शन इन फंजाई दैट कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन। वेजिटेटिव मीन से वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, थ्रू फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय स्पोर्स, जिनको क्या कहा जाता है, कोनिडिया कहा जाता है, या स्पोरेंजियो स्पोर्स कहा जाता है, या जूस्पोर कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है किसके थ्रू, या ऊस्पोर्स के थ्रू, एस्कोस्पोर्स के थ्रू, या बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिनको फ्रूटनिंग बॉडी कहा जाता है। जो स्पोर्स बनाती हैं वो फ्रूटनिंग बॉडीज होती हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग थ्री स्टेप। जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें आपके तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट। सबसे पहले तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, जिसको क्या कह दिया, प्लाज्मोगैमेट। उसके बाद फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई होगा, जिसको क्या कहते हैं, कारियोगैमेट। ठीक है, कारियोन क्या होता है, कारियोन हम न्यूक्लियस को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कि जो हमारा कारियोन वर्ड है ये किसे कहा जाता है, ये न्यूक्लियस को ही कहा जाता है। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रो मींस प्रिमिटिव एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस, वो ऑर्गेनिज्म जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। यूकैरियोट्स मींस यू मींस ट्रू एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस, जिनका ट्रू न्यूक्लियस है। ठीक है, तो वैसे ही ये यहाँ पर ये कैरियन फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, इसको कारियोगैमी कहते हैं। उसके बाद मियोसिस इन जायगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स। अब मियोसिस क्या होती है हमारी, मियोसिस हमारी रिडक्शनल डिवीजन होती है। ठीक है, मियोसिस जो है वो क्या है जी, रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें आपके डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉयड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। अब क्या होता है, जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है
तो जो हमारे टू हैप्लॉयड हाइफे हैं वो कंपैटिबल होने चाहिए एक दूसरे के, वो क्या करते हैं फ्यूज़ कर जाते हैं। इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉयड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉयड सेल्स। कुछ फंजाई में क्या होता है, टू हैप्लॉयड सेल क्या करते हैं एकदम से डिप्लॉयड सेल्स बना देते हैं, टू एन बना देते हैं। और कुछ फंजाई में क्या होता है कि इन अदर फंजाए जैसे कि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड इंटरविंग डायकैरियोटिक स्टेज एन प्लस एन दैट इज टू न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स, ठीक है। और सच कंडीशन इज कॉल्ड डायकैरियन एंड फेज इज कॉल्ड डायकैरियो फेज ऑफ फंजाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर आपकी कुछ फंजाए ऐसी होती हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, इनमें क्या होता है डायकैरियोटिक स्टेज बनती है एन प्लस एन, यानी कि एक ही न्यूक्लियाई एक ही सेल में आपके दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, तो यानी कि ये फॉर्म क्या करेंगी डायकैरियन फॉर्म करेंगी, और इस फेज को डायकैरियो फेज ऑफ फंजाए कहा जाता है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉयड, और बाद में जो ये जो दो पेरेंटल न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूज कर जाते हैं आपस में और डिप्लॉयड सेल फॉर्म कर देते हैं। द फंजाई फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडीज इन विच रिप्रोडक्शन डिवीजन अकर, अब जो फंजाई है वो फ्रूटनिंग बॉडीज बनाती है जहाँ पर डिवीजन होगी, ठीक है, फ्रूटनिंग बॉडीज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स, और वो क्या बनाते हैं हमारे हैप्लॉयड स्पोर्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटनिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर, उसके बाद स्पोर्स के फॉर्मेशन के आधार पर एंड फ्रूटनिंग बॉडीज के आधार पर जो हमारी किंगडम फंजाई है उसको डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो हम अभी रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड। नेक्स्ट हम इसकी फर्स्ट क्लास रीड करते हैं जिसको क्या कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। सो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, तो ये कहाँ पर मिलते हैं हमें मेंबर्स में फाइकोमाइसिटीज हमें मिलती हैं जी एक्वेटिक हैबिटेट्स में, एक्वेटिक हैबिटेट में, और डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, और कहाँ पर मिलती हैं डिकेइंग वुड मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ठीक है, जो लकड़ियाँ सड़ रही होती हैं या मॉइस्ट प्लेसेस डैम्प प्लेसेस, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स इन प्लांट, या फिर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट की। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड क्विनोसेटिक, ठीक है, जो माइसीलियम होता है इसका वो एसेप्टेट होता है, वो एसेप्टेट होगा और क्विनोसेटिक होगा। तो एसेप्टेट का क्या मतलब है मैंने आपको पहले बता दिया था, सेप्टेट क्या है जो माइसीलियम होता है या जो हाइफ होता है उसके बीच में पार्टीशनिंग होती है, एंड सेप्टेट मीन्स पार्टीशनिंग है और एसेप्टेट मीन्स नहीं है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है जी जूस्पोर की या बाय ए प्लेनोस्पोर्स, तो यहाँ पर दो वर्ड्स आपको और पता चले हैं, जूस्पोर जो होंगे वो मोटाइल होंगे और ए प्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। तो अगेन ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, जूस्पोर जितने भी जूस्पोर्स होते हैं जहाँ पर भी वर्ड आएगा जूस्पोर्स तो आपको समझ लेना है कि मोटाइल वर्ड है, मोटाइल जो मूव कर सकते हैं, एंड ए प्लेनोस्पोर्स हैं वो क्या कर सकते हैं दे कैन नॉट मूव। नेक्स्ट दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, अब ये स्पोर्स बनते कहाँ पर हैं ये बनते हैं स्पोरेंजियम में। अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, एक जाइगोस्पोर कैसे बनता है जब दो गैमीट्स आपके फ्यूज होते हैं। दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, अगर तो ये गैमीट्स सिमिलर हैं मॉर्फोलॉजी में तो इनको क्या कहते हैं आइसोगैमस, दोनों एक बराबर है, अगर ये डिसिमिलर है तो इन्हें क्या कहेंगे एनाइसोगैमस एंड या ओगैमस। तो सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर कौन कौन सी हैं जी, म्यूकर है, राइजोपस है एंड एल्बुगो है, ठीक है। म्यूकर राइजोपस क्या होती है जो हमारी ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है ब्रेड मोल्ड, और एल्बुगो दिस इज पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, तो इसको एग्जाम्पल्स आपने देख लेने हैं, यहाँ पर फिगर में भी आपको बताया उनको हम एक बार
देख लेते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट आ गई म्यूकर, ठीक है, ये म्यूकर है। उसके बाद ये हमारी ब्रेड मोल्ड है, राइजोबस, ठीक है, जो ब्रेड पर ग्रो कर जाती है, राइजोबस। एंड देन यू हैव अल्बुगो, जो कहाँ पर लग जाती है, मस्टर्ड के ऊपर, ये पैरासिटिक है, यहाँ से न्यूट्रिशन लेगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं एस्कोमाइसिटीज। अब एस्कोमाइसिटीज यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये हमारी सैक फंजाई होती है, दे आर नोन एज सैक फंजाई। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखने, क्वेश्चन ये आ जाता है विच फंजाई इज सैक फंजाई, ऑप्शंस दिए होंगे बाकी। तो एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई है। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ये कैसे होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर जैसे कि ईस्ट। अब ये मोस्टली क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती हैं जैसे कि पेनिसिलियम है, या तो यूनिसेलुलर होंगी जैसे कि ईस्ट है या सैक्रोमाइसिस है, ठीक है जी। दे आर सेप्रोफिटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफेटिक। तो जो एस्कोमाइसिटीज होती हैं ये क्या होती हैं, या तो सेप्रोफिटिक होती हैं, सेप्रोफिटिक आपको पता है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करती हैं, ठीक है। डीकम्पोजर्स भी क्या होते हैं, ये डीकम्पोज करती हैं और वहाँ से सॉल्युबल न्यूट्रिएंट लेती हैं। पैरासिटिक मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहती हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन लेंगी, और कॉप्रोफिलस मीन्स जो कि डंग पे ग्रो करती हैं, ठीक है, वो होती है कॉप्रोफिलस। नाउ माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। अब यहाँ पर जो माइसीलियम आया वो कैसा आया जी, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, ये आपकी ब्रांचिंग हुई हुई है एंड दिस इज सेप्टा इनके बीच में, ठीक है, सेप्टा और बीच में न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये मतलब होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ठीक है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, प्रोड्यूसिंग एक्सोजेनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। अब यहाँ पर जो स्पोर्स होते हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, अभी हमने पीछे जो पढ़ी थी फाइकोमाइसिटीज, उसमें एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते थे स्पोर्स, स्पोरेंजियोफोर्स में, बट यहाँ पर अब हमारे जो स्पोर्स हैं वो एक तो कोनिडिया हैं और वो फॉर्म किस में हो रहे हैं, एक्सोजेनियसली बन रहे हैं कोनिडियोफोर्स में, ठीक है। सो कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, तो कोनिडिया जब जर्मिनेट करता है तो वो क्या बनाता है, माइसीलियम बनाता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, अब इनके केस में जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उनको एस्कोस्पोर्स कहा जाता है, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, और वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनियसली बनते हैं इन अ सैक जिसको एस्काई कहा जाता है, ठीक है। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी जिसको एस्कोकार्प्स कहते हैं, और सम एग्जाम्पल्स, इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जी, एस्परजिलस, क्लेविसेप्सिस, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। तो न्यूरोस्पोरा इज अ एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, तो न्यूरोस्पोरा को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बायोकेमिकल स्टडी करने में और जेनेटिक्स पढ़ने के लिए। सो मैनी मेम्बर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेली केसीज। अब इसके कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि मॉरल्स होते हैं, ट्रफल्स होती हैं, ये एडिबल होती हैं, एडिबल मींस जिसको खा सकते हैं, खाने लायक होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, ठीक है, ये मशरूम्स होते हैं आपके, ब्रैकेट फंजाय एंड पफ बॉल्स, ये सारे दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। तो ये कैसे ग्रो करते हैं, या सॉइल पे ग्रो करती हैं, लॉग्स पे ग्रो करती हैं, ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करती हैं, प्लांट बॉडीज पे, कैसे, एज अ पैरासाइट, जैसे कि रस्ट्स और स्मट्स होते हैं, ठीक है।
द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. अब आपको पता है माइसीलियम ब्रांच सेप्टेट का क्या मतलब है. द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड. तो इनके केस में इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसेक्सुअल स्पोर्स तो है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है. बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी तो वो किसके थ्रू होगी, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी. द सेक्स ऑर्गन्स आर एबसेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स. अब क्या है, सेक्स ऑर्गन इनके पास एबसेंट है तो प्लाज्मोगैमी कैसे होती है, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप. द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक. जो हमने देखा था कि दो न्यूक्लियर क्या करेंगे, एक ही सेल में दो न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे और थोड़े से टाइम के लिए डायकैरियोटिक स्टेज बनेगी जो अल्टीमेटली क्या किसको राइज करती है, बेसीडियम को बनाती है. सो कार्योकैमिक मियोसिस टेक प्लेस इन बेसीडियम प्रोड्यूसिंग फोर बेसीडियोस्पोर्स. अब उसके बाद कार्योकैमिक क्या होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस और मियोसिस होगी और वो क्या बनाएंगी जी, हमारे पास फोर बेसीडियोस्पोर्स बनाती हैं. बेसीडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसीडियम. द बेसीडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटनिंग बॉडीज जिनको बेसीडियो कार्प्स कहते हैं. ठीक है, सम कॉमन मेंबर्स आर एगरिकस. ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट जो मेंबर्स हैं वो एगरिकस है जिसको हम खाते हैं. ठीक है, जो हम ईट करते हैं. यूस्टिलाजो स्मट होता है, पक्सीनिया ये रस्ट होता है. ठीक है, तो ये मोस्टली जो प्लांट डिजीजेज होते हैं वो बनाते हैं, जैसे ये स्मट है और रस्ट फंगस है, पक्सीनिया है. ठीक है, तो ये प्लांट्स को क्या करती है, इन्फेक्ट करती हैं. नाउ नेक्स्ट इज योर ड्यूटेरियोमाइसिटीज. सॉरी, नेक्स्ट है हमारा, सो कॉमनली नोन एज फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई. ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, क्योंकि इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं. ठीक है, क्यों कहते हैं, बिकॉज ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन. क्योंकि इस फंजाई के केस में, सो व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग्ड टू. सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम and placed under Deuteromycetes and sexual stage another and placed under another class. ठीक है, तो कि जो इसमें आपके asexual और vegetative stage होती है उसको अलग नाम दे दिया गया और वो add कर दिए गए Deuteromycetes में, and जो sexual stage है उसको under another class. Later when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. Once perfect stage, यानी कि जो sexual stage होती है उसको perfect माना गया है, of member Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. The Deuteromycetes reproduce by asexual spores, जिनको conidia कहते हैं. ठीक है, जो Deuteromycetes हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रही हैं, एसेक्सुअली थ्रू कोनिडिया. द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड. अब जो इसका माइसीलियम है वो कैसा है, सेप्टेट है और ब्रांच्ड होगा. सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग. ठीक है, तो ये भी इनका इम्पोर्टेंट फीचर है कि सेप्रोफाइट्स का काम करते हैं या पैरासाइट्स का, और डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं ऑफ लिटर. लिटर क्या होता है, जैसे कचरा होता है. ठीक है, एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, उसमें मदद करते हैं. एग्जांपल्स आ गए जी इसके, ऑल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये एग्जांपल्स हैं. तो यहाँ पर आपका किंगडम फंजाई फिनिश होता है. ठीक है, थैंक यू.